क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, सेफ हैं, सावधानी बरत रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, अभी भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि बुक्स नहीं मिली हैं उन्हें, मतलब कुछ का ये आ रहा था कि हम काम अपना पूरा कैसे करें, बुक्स नहीं है हमारे पास। तो आप लोगों ने पता किया कि बुक स्टोर पर जो है बुक आई हैं कि नहीं आई हैं? अगर फिर भी आपको बुक्स नहीं मिली हैं बच्चों, तो एक दो बच्चे हैं आपकी क्लास के जिनके पास बुक्स हैं, मतलब और सब्जेक्ट की बुक हैं, तो आप उनके घर मत जाइए, लेकिन आप उनको फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना जो वर्कबुक की जो क्वेश्चन आंसर वाला पेज है उनसे आप लोग व्हाट्सएप पे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मंगा लीजिए, फ़ोटो मंगा लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए। लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप काम ज़रूर कीजिए, वरना आपका जो वर्क है वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, बाद में आप लोग उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो किसी ना किसी तरह से अपने काम को पूरा कीजिए। चीटिंग नहीं करनी है, उनके आंसर कॉपी नहीं करने हैं, आंसर अपने आप लिखना है, लेसन को पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन को सुनना है वीडियो में, और तब अपने आंसर लिखने हैं। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं अगर आप एक दूसरे से चीटिंग करके लिखेंगे, तो फिर आपको जो पाठ है वो समझ में नहीं आएगा। आंसर अगर खुद से लिखेंगे तभी आपको पाठ अच्छे से समझ में आएगा। तो पाठ एक बात अठन्नी की मैं पूरा करवा चुकी हूँ आपको, साहित्य सागर का पाठ है, और आज मैं आपका पाठ दो, जो साहित्य सागर पुस्तक में आपका पाठ दो है काकी, वो शुरू करवाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसके पात्र ज़रूर देख लें कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। जब मैं आपको वीडियो बनाकर भेजती हूँ तो खुद से पाठ को एक बार दोहराना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद वीडियो बंद कर देते हैं, एक दो दिन बाद उसके बाद अपना काम पूरा करते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, तो आपको वो नाम याद नहीं रहते। तो जब आप लोग खुद लेसन को एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से नाम याद हो जाएंगे, आंसर लिखने में आसानी होगी। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काम समय पर पूरा करके भेजिए, क्योंकि अभी भी असाइनमेंट बहुत सारे बच्चों के नहीं आए हैं। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को बुक नहीं मिली होगी इसलिए परेशानी हुई होगी। अगर बुक अभी भी नहीं मिली है तो जो मैंने आपको बताया है, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी किसी बच्चे के पास आपकी क्लास की बुक है, उनके घर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि घर से बाहर निकलें। अगर किसी दोस्त का फ़ोन नंबर है तो उससे आप कांटेक्ट करके आप उससे वर्कबुक की फ़ोटोकॉपी मांग लीजिए, फ़ोटो खींच के मंगा लीजिए, ताकि आप लोगों का काम डिले ना हो, समय पर पूरा हो सके। क्योंकि अगर चाहेंगे करना काम को समय पर पूरा तो ही कर पाएंगे। तो चलिए काकी पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले अपनी बुक जो आपकी साहित्य सागर की पुस्तक है उसका पेज नंबर 10 निकालिए, जहाँ पर आपका ये लेसन दिया हुआ है काकी। काकी बच्चों एक ऐसे अबोध बालक की कहानी है जिसका नाम श्यामू है। श्यामू जो है ऐसा बालक है कि जो है कम उम्र में ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है, उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और उसी गम में श्यामू डूबा रहता है। तो आगे आगे किस तरह से कहानी में मोड़ आते हैं, कहानी किस किस तरह से आगे बढ़ती है, मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो लेसन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पेज नंबर 10 आपने निकाल लिया होगा, मैं पढ़ती हूँ, शुरू करती हूँ। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। बड़े सवेरे मतलब बहुत जल्दी जब श्यामू उठा, तो जब उसकी नींद खुली तो उसने क्या देखा कि घर भर में कोहराम, कोहराम मतलब रोना पीटना या चिल्लाना, कोहराम उसको बोलते हैं जब बहुत सारा शोरगुल होता है घर में, बहुत कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। क्या देखा उसने कि जो उसकी माँ है उन्होंने एक नीचे से ऊपर तक शरीर के जो उनका भाग है सिर से पांव तक उन्होंने एक कपड़ा ओढ़ा हुआ है, कंबल, कपड़ा ओढ़े हुए कंबल के ऊपर हैं वो, और भूमि शयन, भूमि शयन मतलब नीचे ज़मीन पर सो रही हैं, भूमि मतलब ज़मीन, शयन मतलब सो रही हैं, और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे
बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। विलाप कर रहे हैं मतलब रो रहे हैं। घर के जितने भी लोग थे, घर में जितने भी व्यक्ति थे, वो सब उसकी माँ को घेर कर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, उमा कौन? उमा शामू की माँ। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, शमशान मतलब उसकी अंतिम क्रिया के लिए उसको जब शमशान ले जाने लगे, तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव मतलब बहुत शोरगुल मचाया, उसने बहुत हल्ला मचाया। लोगों के हाथ से छूट कर वह उमा के ऊपर जा गिरा। अचानक से क्या हुआ कि जब बहुत चिल्ला चिल्ली मचा रहा था, वो हिलडुल रहा था, इधर उधर हाथ पांव मार रहा था, तो वो अचानक से किसी के हाथ से छूट कर जो है उमा के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं ना जाने लूँगा। क्या कहा उसने कि जो काकी हैं, वो अपनी माँ को काकी कहता था, कि काकी जो है वो सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं नहीं ले जाने दूँगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। लोगों को बहुत मुश्किल हुई उसे अपनी माँ से अलग करने में। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। बहुत छोटा था, मासूम था, इसलिए जो उसकी माँ की अंतिम क्रिया थी उसमें उसको जाने नहीं दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। घर की एक नौकरानी जो है उसको जो है राम राम करके घर पर ही संभाल के रखा उसकी नौकरानी ने। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने इसे विश्वास दिलाया, बुद्धिमान गुरुजनों ने, जो बुद्धिमान लोग थे, गुरुजन जो थे, उन्होंने उसको विश्वास दिलाया, सभी ने उसको विश्वास दिलाया कि उसकी माँ जो है, उसकी काकी जो है, वो उसके मामा के यहाँ गई है। परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका। लेकिन असत्य के आवरण में मतलब झूठ की चादर में जो है सच को छुपाया नहीं जा सका बहुत समय तक। अबोध बालकों के मुँह से उसे यह पता चल ही गया, यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं राम के यहाँ गई है, ऊपर जो है भगवान के पास उसकी माँ चली गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, मतलब कई दिन तक लगातार तो वह अपनी माँ के लिए रोता रहा। फिर एक दिन अचानक उसका रोना तो बंद हो गया, परंतु उसका जो शोक, जो उसका दुख था, वो शांत नहीं हो सका। वर्षा के अनंतर एक दो दिन में ही, जब बारिश होती है एक दो दिन में ही, मतलब बारिश जब लगातार होती है दो तीन दिन तक, तो एक दो दिन में क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर का जो ज़मीन के ऊपर का पानी है वो तो अगोचर हो जाता है, अगोचर मतलब गायब हो जाता है। परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, लेकिन अंदर जब आप ज़मीन खोद के देखोगे, अगर तीन चार दिन से लगातार बारिश हो रही है तो ऊपर तो वो सूखी होती है, लेकिन आप उसको अंदर खोदोगे तो वो गीली, आर्द्रता मतलब उसमें गीलापन बना रहता है। वैसे ही उसके अंतस्थल में, वैसे ही उसके मन में, उसके हृदय में जो है शोक जाकर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। वह अकेला बैठा बैठा रहता और उदास मन से जो है, शून्य मन से, उसके मन में कुछ नहीं रहता, आकाश की ओर देखता रहता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। एक दिन अचानक उसने देखा आसमान में पतंग उड़ रही है। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। क्यों खिल उठा उसका मन? क्यों खिल उठा? इसलिए खिल उठा कि उसके मन में अचानक से एक युक्ति सूझ गई थी। पता नहीं क्या सोचा उसने अपने मन में, वे अपने पिताजी यानी कि उसके पिताजी जो थे विश्वेश्वर, उनके पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अपने पिताजी को क्या बोलता था? काका बोलता था, उनसे क्या रिक्वेस्ट की कि मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद, जब से उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, विश्वेश्वर जो उसके पिताजी हैं वो अन्य मनस्क मतलब जैसे उनका मन कहीं और लगा हो, वो बातों में ध्यान नहीं देते हों, रहा करते थे वे। अच्छा मंगा दूंगा, ऐसी उन्होंने बेमन से कहा, जैसे कहीं ऐसी बेमन से उसको टरका दिया और चले गए कहकर उदास भाव से निकल लिए वहाँ से। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, वह पतंग के लिए बहुत बेचैन था, वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। उसे बस जल्दी मची हुई थी कि किसी तरह उसके पास पतंग आ जाए, तो वह अपनी इच्छा को दबा ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। उसने देखा कि उसके पिताजी का जो कोट है वो एक जगह खूंटी पर ऊपर टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसने इधर उधर देखा, आसपास उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, उसको एक स्टूल नज़र आया, उसने उसको सरकाया और उसके ऊपर चढ़ा और अपने पिताजी के कोट की जेबों को टटोला, खोजा उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। उसने क्या कहा, क्या करा उसने, एक चवन्नी निकाली अपने पिताजी की कोट की जेब से और वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। समवयस्क मतलब उसी की उम्र का, उसी की एज का, सुखिया दासी थी एक, उनका लड़का भोला उसका हम उम्र साथी था, दोस्त था। श्यामू ने उसे चवन्नी दी और कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप
एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। उसको समझा दिया कि अकेले में ये काम करना, किसी को पता ना चले, अपनी दीदी को भेजना और एक पतंग और डोर मंगवा देना। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। पतंग आ गई अंधेरे कमरे में, गए दोनों के दोनों और पतंग के ऊपर डोर बांधने लगे। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो, तो एक बात कहूँ। क्या कहा उसने अपने दोस्त भोला से, कि भोला अगर किसी से नहीं कहोगे तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं किसी से नहीं कहूँगा, कहो क्या बात है। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। उस पतंग को मंगाने के पीछे श्यामू का जो मन था, जो योजना थी, वह क्या थी? उसने उससे कहा कि मेरी यह योजना है कि यह पतंग मैं ऊपर राम के यहाँ भेजना चाहता हूँ, इसे पकड़कर मेरी काकी नीचे उतरेंगी। देखो कितना भोला मन है उस बच्चे का, उसे यह जानकारी नहीं है कि जब कोई एक बार ऊपर चला जाता है तो वहाँ से वापस लौटकर नहीं आता। जब उसने पतंग आसमान में उड़ती देखी तो उसके मन में यह ख्याल आया कि इस पतंग के सहारे मेरी माँ भी नीचे आ सकती है। तभी उसने फटाफट से वह पतंग मंगाई। उसने भोला से कहा कि इसे पकड़कर मेरी काकी नीचे उतरेंगी, मैं तो लिखना नहीं जानता, अभी मुझे अच्छे से लिखना नहीं आया, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। कहता है मुझे लिखना नहीं आता, नहीं तो मैं पतंग के ऊपर काकी का नाम भी लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था, थोड़ा सा ज्ञान भोला को श्यामू से अधिक था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है परंतु एक कठिनता है। ये जो बात तुम कह रहे हो है तो बहुत अच्छी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, एक कठिनाई है। क्या कठिनाई है? यह डोर पतली है, पतंग की जो रस्सी है वो बहुत नाजुक है, बहुत पतली है, कमज़ोर है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। उसने क्या दिमाग लगाया कि बात तो अच्छी सोची है तुमने, पर ये डोर जो है कमज़ोर है, पतली है और काकी तुम्हारी बड़ी हैं, लंबी चौड़ी हैं, वो इसे पकड़कर नीचे नहीं उतर सकती, इसके टूट जाने का डर है। यदि काकी इसे पकड़कर नीचे आएंगी तो इसके टूट जाने का खतरा है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। क्या बोला उसने भोला ने, कि यदि पतंग में मोटी रस्सी होगी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब श्यामू गंभीर हो गया, उसने कहा यह तो नई समस्या आ गई सामने, बड़ी मुश्किल से तो चवन्नी चुराई थी पिताजी की जेब से और यह पतंग मंगाई थी, अब रस्सी मंगाऊं भी तो पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि पिताजी ने तो पतंग ही लाने के लिए टरका दिया है, पैसे वो देंगे नहीं। अब वो सोचने लगा कि कहाँ से मैं इस रस्सी का इंतजाम करूँ। गंभीर हो गया, सीरियस हो गया, मतलब यह है कि बात लाख रुपये की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। क्या कहा श्यामू ने, कि बात तो उसने बड़ी अच्छी सुझाई है, समस्या बड़ी अच्छी बताई है उसने, परंतु मुश्किल यह है कि मोटी रस्सी जो है मंगाई कैसे जाए। तो बच्चों इतना चैप्टर आया आपको समझ में, उम्मीद है आपको आया होगा। आसान सा चैप्टर है, श्यामू के अबोध मन की समस्या को इसमें उजागर किया गया है, उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। इतना चैप्टर आप अवश्य ही दोहराइए, यदि बुक नहीं है तो इस वीडियो को देखें, एक दो बार देखें, समझें मैंने क्या पढ़ाया है। क्वेश्चन आंसर जैसे ही आपको अवेलेबल हो जाते हैं, किसी से वर्कबुक जैसे मैंने कहा, अगर किसी बच्चे के पास है तो आप लोग उससे क्वेश्चन आंसर प्रश्न पूछ लीजिए, उससे वर्कबुक से प्रश्न ले लीजिए। और कॉपी में कई बच्चे जैसे बुक में लिख के भेज रहे हैं, बुक में मुझे इनका आंसर नहीं चाहिए, कॉपी में आप लोग बाकायदा अपनी नोटबुक में अच्छे से आंसर को लिखकर समझकर फिर मुझे जीमेल कीजिए, और जीमेल ज़रूर कीजिए, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, वरना आपका जो है काम बहुत सारा तैयार हो जाएगा, बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, आप लोग एक साथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है समय से कीजिए और जीमेल कीजिए। आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, तब तक के लिए घर पर रहें, अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।